पब्लिक की भीड़ बढ़ रही है यहाँ पर धीरे धीरे। हम लोग उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर बाबा साहब की चैत्यधाम है, तो जहाँ जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए अरे देखते हैं से लगे हुए हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ है इस समय, ये दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए उस समय ये लोग लाइन, कब से आप मैडम लाइन लगाई हैं? 3 घंटे देखा था, बोल रहे कितना देर, कितने घंटे से? 9 बजे से। कहाँ से आई हैं? वांद्रा से। ये देखिए वांद्रा से आए हैं आप। अंकल जी कहाँ से आए हैं? हम लोग चेंबूर से। चेंबूर से? चेंबूर कहाँ से? गौतम नगर। गौतम नगर से? मैं उधर ही चेंबूर में ही रुका हूँ, मैं यूपी से। माड़ा का बिल्डिंग है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर देखिए, ये हम बाबा साहब के चैत्यधाम स्थल पे यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पर समता सैनिक दल के जगह जगह लगे हैं, कोई इधर उधर ना होने पाए, कतारबद्ध तरीके से लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, सभी के चेहरे पर मास्क है और कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी लोग, कोई 2 घंटे से, कोई 1 घंटे से, ऐसे ही लोग यहाँ पर ये खड़े हैं कतारबद्ध तरीके से। और बहुत लंबी लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन है। और इस समय थोड़ा बहुत ज़रूर कोरोना के कारण भीड़ इकट्ठा कम हो पाई है, सरकार ने भी कुछ इस पर पाबंदी लगा दी है कि इस तरह की भीड़ ना होने पाए। और यहाँ पर बाबा साहब के पुत्र यशवंत राम अम्बेडकर का ये देखिए यहाँ पर दीप और मोमबत्ती सब जलाया गया है। और यहाँ पर भी लोग अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और यहाँ पर समता सैनिक दल ऐसा है जो एक पुलिस से भी अच्छा काम करता है। और ये हर जगह जो भी धर्म का कार्य हो, चाहे बाबा साहब के जन्मदिन पे या 6 दिसंबर पे, जो भी हो धार्मिक काम हो, उसमें समता सैनिक दल पूरे देश में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ये एक संगठन है और ये इस तरह का ये लोग काम करते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगी है, जो यहाँ पर किसी की कोई दवा की ज़रूरत हो तो मेडिसिन भी ले सकता है। यहाँ सामने यहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं, पूरा स्टाफ स्वास्थ्य विभाग का बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए परामर्श भी ले सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पर महिला भी डॉक्टर हैं, जेंट्स भी हैं। और यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि से जेंट्स और महिला दोनों पुलिस कर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं। दादा, 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 दाद
की जगह है यहाँ पर देखिए, जहाँ बाबा साहब की पार्थिव शरीर को जलाई गई थी। आज इसे चाहे मंदिर आप कहें, चाहे विहार कहें, जिस तरह से संबोधन करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन धम्म अनुयायी इन्हें तथागत बुद्ध से कम नहीं जानते हैं, उन्हें भी अपना भगवान समझते हैं बाबा साहब को, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए लाखों लाखों नहीं करोड़ों अनुयायी यहाँ पर आते हैं, पूरे देश से आते हैं। लेकिन कोरोना गाइडलाइन होने के कारण इस वर्ष वो उस तरह का देखने को नहीं मिल रहा है। ये बहुजन समाज में मायूसी का खबर है, और लेकिन बहुजन समाज हिम्मत अपनी नहीं हारेगी, नहीं इस साल होगा, अगले साल होगा, ये हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं।